तो मूवी की शुरुआत होती है एक किम नाम की लड़की से, जो अमावस्या की रात में लेके जियो का फोन हाथ में अपने घर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में उसे लगा कि जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा हो, साथ ही ये स्ट्रीट लाइट भी उसे आंख मारने लगी, जिससे डरकर किम ने भागना शुरू कर दिया। और तभी इस मैनहोल में से किसी ने किम को अपनी तरफ अंदर खींच लिया। अब मैनहोल का मतलब कुछ गलत मत समझ लेना, मैनहोल का मतलब मान लो कि जैसे कोई गटर। अब बैक टू स्टोरी, जब किम की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया, जहां डरते डरते वो उस जगह से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी इस छोटू लाल ने उसका पैर पकड़ लिया, जिसकी आवाज से उठकर वो सीरियल किलर सोचुल किम के पास पहुंच गया। किम उससे रोते हुए कहने लगी कि प्लीज मुझे घर जाने दो, लेकिन सोचुल को तो अभी किम के साथ अपने नाये बनने की प्रैक्टिस करनी थी। यहाँ से सीन इस छोटी बच्ची हैना पर आया, जो अपनी बड़ी बहन आरी से पूछ रही थी कि वो घर कब आएगी। उसके पूछने के तरीके से हम समझ गए कि हैना बोलने और सुनने में सक्षम नहीं है। आरी उसे समझा रही थी कि तुम अच्छे से गेट बंद करके घर में ही सेफ रहना। लेकिन जब थोड़ी देर बाद आरी अपने बस स्टैंड पर उतरी तो देखा कि हैना उसका वहीं इंतजार कर रही है। हैना को लगा होगा जैसे इस काम के लिए उसे बहुत शाबाशी मिलेगी, लेकिन आरी तो उस पर उल्टा गुस्सा करने लगी। अब ये दोनों बहनें अपने घर जा रही थी, तभी बीच रास्ते में ये आवारा लाइट इन दोनों को भी आंख मारने लगी, जहां सोचुल भी इन दोनों बहनों को सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था। इन गायब हो रही लड़कियों की खबर पुलिस को भी लग चुकी थी, लेकिन कोई सबूत ना मिल पाने की वजह से वो लोग कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अगली सुबह एक टैक्सी ड्राइवर पार्क अपनी बेटी के गुमशुदा पर्चे आसपास के लोगों को दे रहा था, ताकि उसकी बेटी का कुछ पता चल पाए। लेकिन लोगों का गुमशुदा पर्चों में कम और शादीशुदा पर्चों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तब भी भीड़ में से ही वो साइको उस पर्चे को लेकर एक बिल्डिंग में पहुंचा, जहां उसने बहुत सारे गुमशुदा पर्चों के बीच ही एक और पर्चा लगा दिया, क्योंकि ये सारे शिकार इस साइको सोचुल के ही थे। अब रात को आरी हैना का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगी, जिसमें उसने गिफ्ट के तौर पर हैना को एक चॉकलेट बॉक्स दिया। दूसरी तरफ सोचुल भी किम का बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट कर रहा था, और जब वो किम को केक खिलाने लगा तब किम बोली कि मेरे पापा आएंगे। ये सुनकर सोचुल को गुस्सा आ गया, क्योंकि बचपन में उसके डैड ने उसकी पूरी फैमिली को जिंदा जलाकर खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से सोचुल भी एक साइको बन गया। अगले दिन पार्क पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के बारे में जानने पहुंचा, जहां एक ऑफिसर उसका लंगोटिया दोस्त निकला। अब दोस्त है तो मदद तो करेगा ही, इसलिए रात को जब वो ऑफिसर अपने कमरे में सो गया, तभी पार्क ने उसके लैपटॉप से सारी सीसीटीवी फुटेज देखनी शुरू कर दी। अब अगली सुबह जब उस ऑफिसर की आंख खुली तो उसने देखा कि पार्क ने तो पूरी रात अपनी बेटी की इन्वेस्टिगेशन की, और तो और वो उसके पेन ड्राइव और गन दोनों पचा के भाग गया है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ एक इंजीनियर उसी मैनहोल के पास वाले खंभे पर चढ़कर रूटीन चेकअप करने लगा, तभी उसने देखा कि कैमरा बॉक्स के अंदर से एक एक्स्ट्रा वायर कहीं और ही जा रही है, जिसका पीछा करते हुए वो उसी मैनहोल तक पहुंच गया, जहां उसने देखा कि गटर के ढक्कन पर काफी सारे बाल अटके हुए हैं। ये देखकर उसने एमसीडी वालों को बुलाकर उस गटर का ढक्कन खुलवा दिया। उस इंजीनियर की ये सारी कारस्तानी सोचुल अंदर बैठा चुपचाप देख रहा था, और जब वो इंजीनियर उस मैनहोल के अंदर पहुंचा तभी सोचुल ने उसे इलेक्ट्रिक वायर में फंसा दिया, जो कि देखने में बिल्कुल स्पाइडरमैन का जाला लग रहा था। अब उस इंजीनियर को खत्म करके उसने उसकी यूनिफॉर्म ले ली। उसी रात उस मैनहोल के पास एक निब्बा निब्बी कपल आपस में लड़ रहे थे, जिनके पीछे सोचुल भी वहां पहुंच गया। उसे देखकर निब्बा ने निब्बी में दो चार रखे और वहां से चला गया। वो बेचारी लड़की भी वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसका जूता उस गटर में अटक गया, जिसका फायदा उठाकर सोचुल ने उस लड़की को पूरा ही अटका दिया। यहाँ पार्क भी उस मैनहोल के काफी पास पहुंच गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उसकी बेटी उस जगह के पास से ही गायब हुई थी। यहाँ हैना भी अपनी बहन आरी को लेने फिर से बस स्टैंड पर जाने लगी,
जिस बीच वो आरी को कुछ मैसेज कर रही थी कि तभी पार्क ने उसे देख लिया और उसे लगा कि वो उसकी बेटी किम ही है। इस चक्कर में वो इतना हैवी ड्राइवर बना कि भाई साहब हैना को उड़ा देता, लेकिन हैना को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो अपना चॉकलेट का डब्बा उठाकर वहां से चलती बनी, जहां आगे जाकर उसने देखा कि सोचुल उस लड़की को चीनी की बोरी की तरह खींच रहा था। तभी उसे आरी की कॉल आई, जिसकी वाइब्रेशन से सोचुल ने देख लिया कि हैना उसको ये सब करते हुए देख रही थी, और तभी वो तेजी से यहाँ से भागने लगी। यहाँ आरी को टेंशन होने लगी कि क्यों हैना फोन नहीं उठा रही, लेकिन जैसे ही हैना ने फोन उठाया तो उसने देखा कि उसकी बहन पागलों की तरह रोड पर भाग रही है। अब एक छुपने की जगह देखकर हैना वहाँ छुप गई, लेकिन तभी सोचुल ने आकर उसे वहाँ धप्पा कर दिया। अब आरी ने पुलिस को कॉन्टेक्ट किया, लेकिन पुलिस ने उसे ये कह दिया कि मैडम ये केस तो हमारी चौकी में आता ही नहीं है, तो आप अपने पास वाले पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कराइए। यहाँ पार्क भी हैना को किम समझकर ढूंढने में लगा था, जिसका पीछा करते करते वो एक बिल्डिंग में आ गया, जहाँ एक मैनहोल खुला होने की वजह से उसको थोड़ा शक हुआ, जिसको दूर करने वो उसी होल में घुस गया। अब जब वो थोड़ा आगे पहुंचा तो देखा कि वहां तो अनगिनत लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, जिसे देखकर उसके भी तोते उड़ने लगे। उसने उन लाशों में अपनी बेटी किम को भी ढूंढा, लेकिन शुक्र है उसकी बेटी मरे हुए लोगों में नहीं थी। यहाँ आरी हैना की लोकेशन ट्रेस करते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच गई, जिसके मैनहोल के अंदर ही उसे हैना का फोन भी मिल गया। वो समझ गई कि उसकी बहन जरूर यहीं कहीं होगी, इसलिए वो उसी होल में आगे बढ़ने लगी, जहां उसने देखा कि वो साइको किलर एक लाश को खींचता हुआ इधर से उधर नाच रहा था। अब जैसे तैसे आरी उस साइको किलर से छुप गई। यहाँ हैना को जब होश आया तो ये छोटू उससे उसका चॉकलेट बॉक्स छीनने की कोशिश करने लगा, जिस बीच उसके हाथ में थोड़ा कांच भी लग गया। हैना ने उसकी मदद करते हुए वो कांच निकाला और उसे खाने के लिए चॉकलेट भी दे दी। इतने में यहाँ सोचुल पहुंच गया, जो हैना को बेहोश करके खुद सो गया, लेकिन जब वो सोया तभी हैना ने अपने हाथ खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करी। तब सोचुल अपने छोटू से बोला कि जाओ उसे पकड़कर ले आओ। तभी ऊपर वाले होल से आरी ने भागती हुई हैना को देख लिया, जहाँ वो उसका पीछा करके उससे मिल भी गई। दूसरी तरफ वो ऑफिसर भी पार्क को पकड़ने उस मैन होल के पास पहुंचा, क्योंकि उसे पार्क की गाड़ी उसी होल के पास ठुकी हुई मिली थी। तभी उस होल से उन्हें किसी की आवाज आने लगी, और जब उन्होंने अंदर देखा तो फिर उन्होंने अंदर से उस निब्बी वाली लड़की को बाहर निकाल लिया, जिसको कार में बिठाकर ये दोनों चीफ को कांटेक्ट करने लगे। इतने में ये ऑफिसर भी उस होल के अंदर चला गया, और जब दूसरे ऑफिसर ने अंदर जाने की कोशिश की तभी सोचुल ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। ये सब देखकर वो लड़की बहुत डर गई, क्योंकि सोचुल अब होल से बाहर आ चुका था, जिसने आओ देखा ना ताओ सीधे उस कार में बैठी लड़की को ऊपर भेज दिया। अंदर हैना और आरी किसी दूसरे मैनहोल की तलाश करती हुई एक पार्किंग एरिया में पहुंची, जहां का मैनहोल आसानी से खुल गया। अब आरी तो आराम से वहां से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही हैना बाहर आती कि सोचुल ने उसे पकड़कर वापस अंदर खींच लिया। ये देखकर आरी आसपास मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। ये देखकर उसने अब खुद अपनी बहन को बचाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो नीचे गई तभी सोचुल ने उसे भी धप्पा कर दिया। अब इन दोनों बहनों ने होश में आकर सोचुल से छुपने की कोशिश की, लेकिन जब वो दोनों इसमें नाकामयाब हुए तभी आरी ने सोचुल पर अटैक कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी में हैना तो यहाँ से भाग गई, लेकिन सोचुल ने आरी को पकड़ लिया। तभी सोचुल ने हैना के पीछे अपने छोटू को लगा दिया। यहाँ पार्क जब सोचुल के बेसमेंट में आया तो देखा कि वहां एक लाश पन्नी में पैक थी, जिसे खोलते हुए वो रोने लगा, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी ही बेटी किम थी। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर उसने गुस्से में वहां खूब तोड़ा फाड़ी मचा दी, और सीसीटीवी में देखा कि अभी भी वो साइको इसी होल में कहीं ना कहीं घूम रहा है, जिसके बाद पार्क उस साइको से बदला लेने भागने लगा। यहाँ जब उस छोटू ने हैना को पकड़ा तब हैना ने उसे एक चॉकलेट दी और कहा कि तुम मेरी मदद करो। उस छोटू ने भी शायद इतनी प्यारी लड़की जन्मों बाद देखी थी,
इसलिए वो हैना को बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगा, जहाँ हैना को उसकी बहन आरी भी मिल गई, जो सोचुल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर भाग आई थी। लेकिन तभी वहाँ सोचुल फिर से पहुंच गया, जिसने आरी पर हमला करने के चक्कर में गैस पाइप्स को ही लीक कर दिया। तभी वहाँ कोरियन मिल्खा सिंह पार्क आया, जिसने सोचुल को पानी में धक्का दे दिया। अब इन दोनों की लड़ाई होने लगी, जिस बीच पार्क ने सोचुल पर उस ऑफिसर की गन से शूट कर दिया, लेकिन गोली लगने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उल्टा उसने तो पार्क के सर में एक रॉड देके मारी, जिससे पार्क वहीं बेहोश पड़ गया। लेकिन तब भी उसने उन पाइप्स में शूट करके वहां आग लगा दी, जिसके ब्लास्ट से इस बंदे की हालत पतली हो गई। यहां सोचुल ने फिर अपने अंदर एक ड्रग्स का इंजेक्शन लिया और फिर से इन दोनों लड़कियों का पीछा करने लगा। यहाँ ये दोनों बहनें इस होल से भाग रही थी, लेकिन ऊपर से सोचुल ने आरी पर हमला कर दिया। तभी ये छोटू, जो ना बोल सकता था और ना सुन, अपनी हरकतों से हैना को समझाने लगा कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन तभी पीछे से वहाँ सोचुल ने आरी को नीचे गिरा दिया, और जैसे ही वो उस पर अपना फाइनल हमला करता कि इतने में आरी ने अपने लाइटर से वहाँ पड़े केमिकल में आग लगा दी, जिससे कि सोचुल की सारी चूल उसी आग से खत्म हो गई। लेकिन साथ साथ आरी ने अपनी बहन हैना को बचाने के लिए उसी आग में अपनी जान भी दे दी। हैना भी अपनी बहन को आग में जाकर बचाना चाहती थी, लेकिन तभी पार्क ने उसे संभाल लिया, क्योंकि इतनी आग में आरी तो नहीं बच पाती, लेकिन जरूर हैना को भी कुछ ना कुछ जरूर हो जाता। अगली सुबह जब एम्बुलेंस में हैना को ले जाने लगे, तभी पार्क ने उसे उसकी बहन आरी की रिंग दे दी, जिसे देखकर हैना अपनी बहन को याद करने लगी कि कैसे आरी उससे बात करने के लिए साइन लैंग्वेज सीखा करती थी। और फिर पार्क ने उसे अपने गले लगा लिया, क्योंकि अब उसे भी अपनी बेटी किम के रूप में हैना मिल चुकी थी। यहाँ जब पुलिस मैनहोल से जुड़े होटल में गई, तो देखा कि सोचुल ने तो लाशों को कुछ इस तरह रखा हुआ था जैसे वो उन लाशों को अपनी फैमिली समझकर उनके साथ ही खाना पीना करता था। अब दोस्तों, एक चीज जो आप भूल गए हो, सोचो क्या कि आखिर उस छोटू का क्या हुआ। आओ मैं बताता हूँ। असल में दोस्तों, वो छोटू आज भी उस मैनहोल में जिंदा है, और यही क्लाइमैक्स इस मूवी के पार्ट 2 को लाने में पूरी मदद करेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बताना पड़ेगा कि इस मूवी का सेकंड पार्ट मैं लाऊं या नहीं लाऊं। लाइक, कमेंट वगैरह कर देना, क्योंकि उसी हिसाब से पार्ट 2 लाने का सोचा जाएगा। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।